हमारे साथ इस समय जो है प्रोजेक्ट मैनेजर ट्विन टावर के एडिफिस कंपनी के हैं, जो सफलतापूर्वक ट्विन टावर सफल किया गया, उनके हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, ध्वस्तीकरण हो गया, अब इस पर क्या कहना आपका? ध्वस्तीकरण, आप लोग मीडिया गैलरी में खड़े थे, आपको कैसा लगा? ये मैं पहला प्रश्न पूछूंगा पंडित जी आपसे। नहीं, आप जो है एक तरह से देखा जाए जो लोगों में माहौल बना हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, ध्वस्त होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो उस पर एक जो अंदर आपके भी एक डर रहा होगा कि जिस तरह से मार्केट में चल रहा है और इस तरह इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मुझे पहली बार हुआ है, तो इस पर आप कैसा रहा अनुभव? देखो, 65 मीटर वाली बिल्डिंग तो कर चुके थे, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं पहली बार हिंदुस्तान में ये 103 मीटर वाली बिल्डिंग और इतने रिहायशी इलाके में थी, तो एक शुभा था, डर तो नहीं था क्योंकि हमको भरोसा था हमारी अफ्रीकन एक्सपर्ट थी टेक्नोलॉजी पे, लेकिन एक शुभा था कि ये जवाबदारी मेरे को मेरी कंपनी ने दी गई है, अगर ऊपर वाला ना करे और ये डिमोलेशन फेल होता तो ये पूरी जवाबदारी मेरे सर पे आती और मैं जिम्मेदार रहता इसका, तो ये शुभा था। बाकी ऊपर वाले का साथ था, आप लोग के यहाँ पब्लिक का आशीर्वाद था, सबकी दुआएं थी, तो ये सक्सेस हो गया। दूसरा ये बताइए कि ये विशेष श्रेय किसके ऊपर जाएगा? देखो, 400 मजदूर केवल मयूर मेहता नहीं है इसके श्रेय में, टोटल कुल 400 मजदूर, 7 अफ्रीकन एक्सपर्ट्स, हमारे ऑफिस, हमारे 2 कंपनी के मालिक और हमारे ऑफिस का पूरा स्टाफ, हर आदमी का पूरे पूरा योगदान है इसमें। तो आगे क्या रणनीति बनेगी, जो आप पड़ोस के रहने वाले लोग हैं इनको कब तक आप लोग मतलब, क्योंकि CBRI जब तक NOC नहीं देगी तब तक ये लोग आएंगे, कब तक की उम्मीद दी जा रही है? CBRI ने क्लियरेंस दे दिया, 5:30-6 बजे तक सब पब्लिक जितने भी रेसिडेंट्स हैं वापस आ सकते हैं। चलिए, आपने सुना प्रोजेक्ट मैनेजर को कि सफलतापूर्वक जो काम हुआ है इसके लिए सभी कर्मचारियों को विशेष रूप से ये मानते हैं कि उनके श्रेय की वजह से यह जो है ध्वस्तीकरण सफल हुआ है। हम उस ट्विन टावर के पास हैं जो 93 सेक्टर A में था। आप देख सकते हैं इसकी हालत कि यह ध्वस्तीकरण के बाद ट्विन टावर किस हाल में खड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मलबा ही मलबा आपको दिख रहा होगा, भारी मात्रा में यहाँ पे JCB डंपर ट्रैक्टर लगाए गए हैं, जिस हिसाब से कहा गया था कि पूरा मलबा जो है ध्वस्त हो जाएगा, एकदम जमीन दोष आएगा, वो स्थिति नहीं हुई है। अब देख सकते हैं कि मलबा जो है सिर्फ नीचे बैठ गया है, लेकिन शेष स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, जबकि पूरी बिल्डिंग गिर गई है और ध्वस्त जरूर हो गई है। आसपास की बिल्डिंगों का आप देख सकते हैं कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि जो चादर लगाई गई है चादर पे कोई विशेष नुकसान नहीं दिख रहा है। इस स्थिति को देख कर यह कहा जा सकता है कि आसपास की जो बिल्डिंगें हैं, चाहे वो एमराल्ड हो या ATS हो, दोनों ही पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, मीडिया के अलावा किसी को अभी तक ट्विन टावर की तरफ आने की अनुमति नहीं है, सिर्फ पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंच पाई है और ट्विन टावर से मलबा धीरे धीरे जो रोड पर है उसे हटाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। संजीव उपाध्याय, ETV भारत, नोएडा।